Le dejo. ਚੂਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਚੂਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਹਿਣੋ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਇਸਕੀ ਮੰਮਾ ਕੇ ਪਾਓ ਕੋ ਨੀਚੇ ਰਾਏ। ਆਜ ਰਹਿਣੋ ਕੀ ਬਰਥਡੇ ਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਕੋ ਮੈਨੇ ਦੋ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੀਏ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਰਹਿਣੋ बर्थडे कल थी, मगर कल हमारे एक बहुत प्यारे अंकल जो इस दुनिया से पूछ कर गए हैं, कल उनका आखिरी रस्म थी दफन जनाजे की, और हमने कल फिर रहने को समझाया कि नहीं हम बर्थडे कल आपकी कर लेंगे। हमने घर में केक काटा, किसी को भी नहीं बुलाया। बाकी शनीला ये लो, हाँ जी। तो जी कल बर्थडे तो रहनु की कल थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि हमारे अंकल थे, उनका इंतकाल हो गया था, कल उनका जनाजा था। तो मेरा दिल नहीं मानता था कि हम लोग जनाजा है आज उनका, हमारी उनके साथ अच्छी मतलब शाम दुआ थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने नहीं काटा केक। रैनू तो रो रही थी, लेकिन हमने बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, केक अगले दिन भी कट जाएगा। तो फिर आज हम लोगों ने दोपहर में केक काटा था, किसी को भी नहीं बुलाया था, आसिफ लोगों को भी नहीं, तो ना ही इसकी फुफ्फो को बुलाया था। फुफ्फो इसकी भी ड्यूटी पर थी दोपहर में, तो कोई भी नहीं आ सकता था, तो इसलिए फिर हमने किसी को भी नहीं बुलाया था। घर में केक काटा और रैनू हो गई खुश, और खाने में हमने बनाई दाल क्योंकि हमारी गैस आती है सुबह सुबह, और कल इसको बना के दूंगी बिरयानी। आज तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों ने सुबह दाल बना ली। रैनू का मूड देखे जी। रैनू हाँ जी, नाराज़ हो ना कि दाल बनाई है मेरी बर्थडे पे, है कोई बात नहीं, कल बना लेंगे बिरयानी, कल बनाएंगे। और ये रैनू को लेके दिए जी चूज़े, और ये मेरे पीछे पीछे हैं। रैनू के चूज़े हमेशा मेरे पाँव के नीचे आके मरते हैं, ये गुनाह मेरे भी चढ़ता है। तब ये देखें जी बैठे कहाँ पे हैं। मैं जाती हूँ किचन में, कमरे में जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे अभी मैं इस कमरे में गई हूँ तो ये इधर आ गए। तो मैं आपको जी अपनी सेटिंग भी दिखाऊंगी क्योंकि हमारे साथ वाले चले गए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, तो मैं आपको दिखाऊंगी कल हाँ सेटिंग क्या। ये बस चारपाई हम लोगों ने सेन में बिछाई है, और इस कमरे में कुछ सामान रखा, और हवा यहाँ पे अच्छी आ रही है ये देखें जी। और आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है कराची का, सुबह से ही बादल हैं, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगी लेकिन बारिश हुई नहीं, तो बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, तो मैं आप खाती हूँ रैनू का केक। रैनू का केक तो जी ज़बरदस्त था। एक तो ये रैनू के चूज़े मेरे पीछे पीछे हैं, ये देखें जी मेरे पीछे आ गए किचन में, तो ये देखें जी केक तो इसका ज़बरदस्त था। और हम लोगों ने खा पी के ये देखें तो बाप जी का केक था, रैनू ऊपर वालों को दिया, बुलाया था हमने, किसी को भी नहीं था, ऊपर वालों को दिया और नीचे वालों को दिया। और ये देखें जी रैनू ने रख दिया चाय, और रैनू ने इतनी 3 कप, हमारे बर्तन गंदे थे पानी नहीं था, तो ये हमने जी बर्फ़ वाले कोने में रख दी चाय, तो ये रैनू ने बनाई चाय। और देखें 3 बंदे हैं और चाय देखें कितनी ज़्यादा है, ये रैनू हमें चाय पिला रही थी, गैस देखें हमारी। तब रैनू को मैं बिरयानी बना के दूँगी सुबह, रैनू को बिरयानी पसंद है, ये देखें ये मेरे पीछे पीछे। चलो आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलो मेरे बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये पता नहीं कि ये मेरा बेटा बेटी है या दोनों बेटे, अब ये पता नहीं है कि ये क्या है। अच्छा ये लड़का है वो लड़की है। चलो जी ये रैनू का भाई है वो बहन है, अब देखते हैं कि
ये बड़े होंगे तो फिर पहले भी रैन ने चूज़ा लिया था, एक छोटा सा चूज़ा लिया था तो वो इतना बड़ा हो गया। जी आप में रोशनी आ रही थी, मैंने फ्लश ऑन किया बैक साइड का, तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था तो वो अंडे भी देती थी ना रैनू, तो फिर हम लोगों ने बेच दी क्योंकि हमारे मालक मकानों को उससे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से। तो है रैनू अब, और मैं रैनू को अशरफ को बोल रही हूँ कि मुझे अशरफ एक मेरा गमला पड़ा हुआ, मुझे एलोवेरा का पौधा मैं ला के दूँगी और इसमें मुझे खाद डाल के तो मुझे लगा के दो गमला इसमें एलोवेरा। सही है, मुझे एलोवेरा इतनी पसंद है और जाहिर सी बात है स्किन के लिए भी अच्छी है और बालों के लिए भी, और मेरा मैं तो इतनी गंजी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, और मैंने बनाना है तेल भी। और ये अशरफ ले के आए हैं टब अपनी फैक्ट्री से, तो मैंने बोला कि चले जी हम बेच देंगे अगर किसी को ज़रूरत होगी, क्योंकि अशरफ सामान ले के आते हैं फैक्ट्री से बेचने के लिए। पहले अशरफ करते थे कारोबार ये, लेकिन फिर हम लोगों ने फिर दुकान बंद कर दी क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो फालतू का किराया भी दुकान का हमारे ऊपर चढ़ रहा था। ये देखिए दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं, और मैरी इससे इतना डरती है, मैरी अभी अपनी नानी के घर पर गई है तो अब जब सुबह आएगी तो फिर देखेगी तो फिर रैनू फिर वो चीखेगी। देखिए जिनकी मस्तियाँ हैं रैनू, अभी आप खुश हो चूज़ों से है रैनू बता, अब स्कूल बेटा खुलने वाले हैं, हाय स्कूल। रात को भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी लेकिन हम लोग भी पड़े रहे चादर ऊपर लेके छत पे, तो बहुत मज़ा आया। मैंने कहा तो चलें जी, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ना लाइक शेयर चैनल पर ना सब्सक्राइब, अगर दिल करे तो आप लोग करते तो हो रही है वैसे हैं जो करते हैं उनकी मेहरबानी। तो ओके बाय जी, खुदा हाफिज़, बाय बाय करो, बाय बाय।